हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पिपार सिटी में पंचायत समिति भवन बनाने की मांग को लेकर आंदोलन हुआ तेज। दूसरे चरण के तीसरे दिन 23 जने भूख हड़ताल पर बैठे। कल से आमरण अनशन और अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। पंचायत समिति बचाव संघर्ष समिति द्वारा पंचायत समिति भवन को पिपार सिटी के स्थान पर रिया गांव में बनाए जाने के विरोध में किया जा रहा आंदोलन दूसरे चरण में शनिवार को तीसरे दिन 23 जने भूख हड़ताल पर बैठे और मांगों को नहीं माने जाने की स्थिति में उक्त आंदोलन को और तेज करते हुए 19 अगस्त से चक्का जाम करने और आमरण अनशन और अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए जाने की चेतावनी दी। पंचायत समिति बचाव संघर्ष समिति के भैरव सिंह खारिया ने बताया कि वर्तमान में पंचायत समिति पिपाड़ में ही संचालित है। पंचायत समिति का नाम भी पिपाड़ सिटी पंचायत समिति रखा गया है, लेकिन अब पंचायत समिति का नया भवन पिपाड़ सिटी मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत रिया में बनवाया जा रहा है, जिसमें नानाड़, मार्डलिया, बोरुंदा, हरियाधाड़ा, रणसी गांव, साथीन, कोसाना, चौकड़ी सहित एक दर्जन से अधिक गांवों की ग्रामीण जनता को पंचायत समिति के नए भवन में आने जाने की आवागमन को लेकर बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वर्तमान में उपखंड कार्यालय तहसील कार्यालय पिपड़ी सिटी में संचालित है और अगर पंचायत समिति रिया ग्राम में बनती है तो ग्रामीण क्षेत्र की भोली भाली गरीब जनता को अपने कार्य के लिए इधर उधर चक्कर लगाने पड़ेंगे, साथ ही उन्हें समय के साथ आर्थिक नुकसान भी होगा जो जनहित में नहीं है। संघर्ष समिति सदस्य वीपी सिंह कुड ने बताया कि 18 ग्राम पंचायतों के सरपंच, 13 मंडल सदस्य और जिला परिषद सदस्य पिपार सिटी में पंचायत समिति भवन बनाने के पक्ष में है। साथ ही अधिकांश ग्रामीणों की भी इच्छा है कि पंचायत समिति भवन पिपार मुख्यालय पर ही बने। शनिवार को उपखंड कार्यालय के समक्ष जारी आंदोलन में तीसरे दिन पिपार सिटी सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के सैकड़ों लोग धरने पर उपस्थित थे। ये बैठे भूख हड़ताल पर सुखदेव सिंह, महेंद्र टाक, राजेंद्र सिंह, विजय परिहार, धर्मेंद्र प्रकाश, अबुल कलाम, प्रमोद आशीष, सुमेर सिंह, विजय राज सोनी, गुदड़ राम, दला राम, बाबूलाल, बगदा राम, गौरव, कल्याण सिंह, बाजी राम, बोरुंदा भरत, अजय, अर्जुन, सुरेंद्र और महेंद्र सिलारी आदि भूख हड़ताल पर बैठे। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।